गए विधानसभा इलेक्शन के पहले आपका चैनल को ही मैं एक इंटरव्यू दिया था, याद है आपको? तो तभी मैं बोला था, मैं तीन लोगों का नाम लिया था, ये तीनों लोगों ने अपने घर के जो भी मेंबर है उनको ही सब कुछ देने वाले, उसके अलावा कुछ नहीं, ये मैं बोला था आपको, आज वही हुआ। हिंदी में एक कहावत है, बांट के खाओ और वैकुंठ को जाओ, इसका मतलब है बांट के खाओ जन्नत को जाओ। उसी तरह से आज कांग्रेस पक्ष का जो काम शुरू है, जो लोकसभा का इलेक्शन कल दो नाम बेलगाम जिले के हुए आए, जो मृणाल हेबाड़कर और प्रियंका जर के हुए, पहले तो उनको मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो चुन के आए आने। लेकिन जिस तरह से जो इस कांग्रेस पक्ष में चल रहा है, जो कांग्रेस पक्ष के जो नुमाइंदे, जो कार्यकर्ताओं को जो विश्वास में न लेते हुए जो काम चल रहा है, उसके बारे में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम भी इस कांग्रेस पक्ष को बढ़ावा दे सकते। आज लोकसभा के बारे में ही बात करना हो तो 3 महीने के पहले हमारे समाज को एक टिकट देता हूं बोल के सिद्धरामैया के सामने ही ये सब कुछ हो गया। उसमें लक्ष्मण राव चिंगड़ी चिकोड़ी से, बेलगाम सिटी से, बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से अमर सिंह पाटिल और मैं भी डाला था। हमको मालूम था कि हमारे को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मण राव चिंगड़े उनका बहुत करीबी अजीज और सब काम में उनके साथ ही रहता है, बोले तो वो दोनों बोले तो एक ही ऐसा हम मानते थे, तो उनको मिलता है। और उसके बाद में जितने भी प्रेस मीट हुए, जितने भी सब कुछ मीडिया में मैं देखते आ रहा था, चिंगड़े को उनका नाम है, उनका वो नाम भेजे से बोलने वाले जिला मंत्री थे, लेकिन अचानक 8 दिन के पहले उनका नाम बुढ़ा को आया, बुढ़ा का चेयरमैनशिप लिए। तो मैं जो जिस समाज से आता हूँ, वो समाज के लोग मेरे को फोन और मेरे लोगों मेरे साथ घर पे आके मेरे को पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पूछते आप। मैं पूछने का सवाल नहीं है बोला, जो लेने वाले अभी ले चुके हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जो लेने वाले ले चुके हैं और उन्होंने अधिकार भी लिए हैं, अभी हम क्या करने वाले। लेकिन इतना कह सकता हूं कि जिला मंत्री को भी यही पूछना चाहता हूं और सिद्धरामैया को यही पूछना चाहता हूं, जो बोले सो आप। जिस समाज, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस राज्य में 3रे नंबर पे हमारा कास्ट आता है, बेलगाम जिले में 2रे नंबर पे आता है, आफ्टर लिंगायत हमारा कुर्बा कम्युनिटी इतना आगे, इतना रहने के बावजूद भी तुम्हें दे तू बोलने के बाद भी तुम नहीं दिए, ये हमारे को बुरा लगता है। आज हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से ही रहने वाले, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो करे सो अब हम सभी कुछ बोलना नहीं। 1.5-2 साल से मैं एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन जो कर रहे हैं इस सिटी में, इस कांग्रेस पक्ष में, वो नहीं होना चाहिए, यही मेरा कहना। आज बुढ़ा का चेयरमैन उनको आके बैठा है, इसी तरह से मैं बेलगाम शहर के कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष, कांग्रेस पक्ष के विधायक जो MLA हैं राजू सेठ को पूछना चाहता हूं, बेलगाम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप के लेटर नहीं बिना वो चिंगड़े का कैसा हुआ? चिंगड़े हमारा समाज का है, मैं मानता हूं उसका, चिंगड़े का पूरा इंसर्ट किया है, हमारे समाज का इंसर्ट है, वो भी हम मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन
एक बेलगाम सिटी के आप एमएलए होते हुए बेलगाम सिटी को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैनशिप क्यों नहीं मिला? बेलगाम के कार्यकर्ता नहीं है आपके पास? बेलगाम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो संभाल लेने वाला कोई ऐसा नहीं लगता? किस आधार पे आप जो लेटर दिए दिए बिना उनका होता नहीं, कैसे हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बेलगाम शहर का जो विकास करने जा रहे हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो विकास करने जा रहे हैं, कि बाहर से आने वाला या निपानी चिकोड़ी से आने वाला आदमी कर सकता है क्या? ये तुम्हें एक एमएलए होके उस मीटिंग में बैठने वाले, एक मेंबर होके और कोई तो जाके बैठने वाले, एमएलए सब कुछ रहने के बाद सिर्फ नाम के लिए बताने वाले, उनको क्या बेलगाम का पूरा इतिहास मालूम है? क्या होने वाला? क्या तुम्हारा ही अधिकार चलने वाला वहां पर? तो बेलगाम सिटी के ऊपर ये आना जरूरी है। रही बात जो आज सभी जने जो पूछे थे, मैं पूछता हूं कि बेलगाम सिटी के जो विश्वास लेके जो काम करना था, आप मुसलमान को हो अन्य कम्युनिटी को हो, वो सभी करना जरूरी है। कारण क्या लगता है आपको, ये छोड़कर वहां से जिस आदमी को दिया है उन्होंने, इसके पीछे कांग्रेस को कुछ फायदा है या मकामी लीडर्स को, लोकल लीडर्स को उसका कुछ बेनिफिट बहुत ज्यादा जाने वाला है? बेनिफिट का इनका तो बेनिफिट का सवाल ही नहीं है। बेलगाम सिटी के एमएलए का तो बेनिफिट का सवाल ही नहीं है। जिनका हुआ है हो रहा है, उन्होंने वहां पर ला के बताए उनको चेयरमैन बोल के, उन्होंने वहां एमपी टिकट ले, आज नाम भी आया। तो बार बार जैसा भी आपने कहा कि सिद्धरामैया साहब ने भी आपको एक वादा दिया था कि मेरे को नहीं है, कम्युनिटी को दिया था कि हम पूर्व समाज से ये कर देंगे। आप बेलगाम से भी आप भी थे और अमर सिंह पटेल का भी नाम था। मैं नॉट ओनली दिस, वहां पर जाके भी बहुत जाने गए थे बेंगलुरु को, ये मिलता है बोल के, एक सीट देने वाले बोल के आया था। तो ऐसा है, तो ये जो मैं, मेरे को क्या है, मैं जिस बेलगाम शहर में बुढ़ा का चेयरमैन भी देखा हूँ, अफवाह हूँ, एमएलए भी वहां हूँ, कारपोरेटर भी हूँ, मेयर भी वहां हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि काम क्या है वो सोच के करना। लेकिन जिस तरह से जो आज हालात देख रहे हैं, कांग्रेस पक्ष बढ़ाने के लिए कोई नहीं देख रहा है। कांग्रेस अपना, वही तो इसलिए स्टार्ट में कहा बांट के खाओ और वैकुंठ को जाओ, इसलिए बोलता हूं। तो इसका यही है कि मैं और एक चीज बोलता हूं, जो लोग जो गए विधानसभा इलेक्शन में, कांग्रेस पक्ष का कैसा डाउनफॉल होते आ रहा है ये आपको बोल रहा हूं। गए विधानसभा इलेक्शन में जो मैं भी टिकट भरा था, दिया था, और टिकट के लिए मैं भी एप्लीकेशन दिया था, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। वो कौन, चावड़ी मैडम को दिए, चावड़ी मैडम को दिए, और कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सिटी के हो या दक्षिण के हो या ऊपर वाले, मैं सभी पदाधिकारी को पूछा, उन्होंने बोलते हैं कि तुम कोंडुस्कर को वोट दो, इसमें आपका कम्युनिटी भी नहीं छूटा। ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कम्युनिटी भी नहीं छूटा। मुसलमान लोगों के जो लीडर्स है, जो वो खुद को बोल समझते हैं कांग्रेस के हम लीडर है, उन्होंने भी रमाकांत कोंडुस्कर को वोट दिए। रमाकांत कोंडुस्कर एमईएस का कैंडिडेट था। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद का श्रीराम सेने का वो हिंदुस्तान का अध्यक्ष है। जो मुसलमानों ने जो श्रीराम सेने के कैंडिडेट को वोट दे रहे, तो फिर हमारा रहा क्या? आप मेरे को बाकी के बारे में पूछना ही नहीं। फिर आप सर कॉर्पोरेशन में भी 25 साल तक रहे, मेयर रहे, फिर 2 साल, 2 बार आप एमएलए भी रहे सर,
आपको किसी मीटिंग में न बुलाए जाने की वजह क्या है? किधर? कांग्रेस की किसी मीटिंग में बुलाए जाए? आप इतना अपना वक्त दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को बटा इधर जो स्टैग जो क्या बोलते हैं परमानेंटली इधर जो एमएलए अभी भी बोलता हूं आज दावे के साथ कर सकता हूं 1,15,000 वोट हैं कांग्रेस के। आज घट कर परसों राजू सेठ का देखा तो 60,000 पड़े या 63,000 पड़े, तो कितना कम हुए ये देखते हैं इसको। जो 1,15,000 रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बोल रहा हूं मैं, जो मेरे को जो तकलीफ हुआ, मेरे को जो सीट नहीं मिला, जो रीजन बोले कि मुसलमान इधर ज्यादा वोटर्स हुए हैं, वो कैंप और इतर भाग जो मुसलमानों के लिए था वो सभी मैं बेलगाम सिटी में लिया बोल के आज सीट वो सभी पकड़ने के बाद 1,15,000 17,000 वोट्स कांग्रेस के थे, आज घटकर वहां पर आए। इसका मतलब क्या है? मुसलमान मुसलमान रहते हैं, जो बाकी के वोट्स जो है आज जैन बोलो, मराठा बोलो, इतर ओबीसी कम्युनिटी बोलो, ये सभी टूट कर बीजेपी को गए, कोई सोचने वाला नहीं है। सर अभी आपने कहा कि वो बांट कर खाओ और वैकुंठ, कौन कौन बांटना, किसको बांटना और वैकुंठ में जाने वाला कौन कौन? अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? बांट के तो खा रहे हैं, मैं गए देखो ये नहीं है। कांग्रेस में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस में अपने अपने लोगों में बांटा जा रहा है, फैमिली पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सगले पॉलिटिक्स, मैं एक ही पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, आज बीजेपी सब पार्टी का है, लेकिन आपका पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी। फिर क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? दूसरा कार्यकर्ता नहीं है, दूसरा कार्यकर्ता नहीं, आगे विधानसभा इलेक्शन आएगा, इनके ही पोते पोते आएंगे, लेकिन तुम्हारे को नहीं मिलेगा, मैं आज ही लिख के देता हूँ। वोट डालने के लिए ना, फिर ये सोचना है, आज बेलगाम शहर के लोगों का वासियों का काम है और करते हुए है। क्या आंसर? इसीलिए तो बोल रहा हूँ आंसर, लोगों को सोचना है, इकट्ठा होना है, लड़ना है, तभी ये चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है साहब, ये देखिए आज मैं और खुल के मत मेरे को ये मत दीजिए, ऊपर से जो जहां पर चल रहा है, जहां पर टिकट बांट रहे, हाई कमांड फाइनल करते हैं। कौन हाई कमांड जी? वो मेरे को तो बोलो, मेरा पार्टी हाई कमांड जो दिल्ली है वहां तक नाम गए तो तुम्हारा आने वाला ना, नाम ही नहीं है, नाम ही जाता नहीं वहां तक, और क्या बोलो। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हाई कमांड सिर्फ कहा जाता है लेकिन फैसले यही पर होते हैं, यही यानी मुख्यमंत्री से इधर तक, इतना ही बोलता हूँ। देखो ये कैसा है, मौलाना पंडित वगैरह यहाँ बैठ के गॉड से लिंक लगाने की बात करते, उनके ऊपर है, उनके ऊपर ये है साहब, ये देखो भक्त उन्हों मांगते हैं सिर्फ आपके लिए, उन्हें खुद के लिए, कोई भी ऊपर वाले का, इन्हों पूरे लोगों का ही इन्हों वहां पर जाके ये देते हैं, हमें ही है सब कुछ, इसीलिए बोला बांट के खाओ और वैकुंठ को जाओ, दूसरों को मिलने वाला नहीं है इसके बाद। किसको हाई कमांड? देखो जी, हाई कमांड को मालूम ही नहीं रहता, अर्जी नहीं भेजते, वहां पर जाता ही नहीं, तो कहां नाम तुम्हारा आने वाला? और यू नो आज तक अभी तक रोजाना मैं देखता हूं कि अभी मैं इधर घूम के आया, उधर घूम के आया, अभी चार जना जाना है और नाम पहले उधर तय होने के बाद ही इनको बुरा अध्यक्ष करते हैं, ये क्या, ये छोटे बच्चों को बोले जैसा, हम भी सुनने का, और आप एक पत्रकार होते हुए आप भी कोई भी इतना मालूम है वो के भी आप उनको पूछते हैं। और सर बीच में अभी सरदार ग्राउंड के पास बीजेपी वालों ने एक बैनर लगा था, तो उसके बारे में आपका क्या हो? कांग्रेस के कार्यकर्ता शादी बजाने के लिए क्या क्या हो रहा है? क्या मेरे को क्या ये दिखे कौन जेरी पर धनंजय यादव उन्होंने बीजेपी चल रहा है सरदार ग्राउंड वरती एक फलक लावला होता, हाँ ते ऐकलं, गांधी परिवार मग त्यांच्यात काय चाललंय? काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काय टाळी वाजवली?
मग आता भारतीय जनता पार्टी ने काय करायला लागले तेच मी सांगायचं आहे. त्यांच्यात काय चाललंय हे बघा. ह्या दोन्ही पक्षांचं काही राहिलं नाहीये. आज मोदींनी वाटेल तेवढं जरी त्यांनी बोंब मारून सांगितले तरी काँग्रेसच्या वरती तुमचा काय कुटुंबवाद परिवारवाद हे सगळं सांगतात. तुमच्यात काय चाललंय आज काय चाललंय बघा की काढून लिस्ट बघा. त्यांचे लोकांनाच दिलेले हा हे जास्त आहे. आज ज्या 28 पैकी ज्या 17-18 लोक हे ज्यांच्याच लोक आहेत यांच्या घरातलेच दुसरे कोणी नाही. रेडी थे मैं बोल रहा हूं. मैं भी एक एप्लीकेशन दिया था. मेरे को बुलाते भी नहीं और क्या बोलू. कौन सा है कमांड हम दिल्ली तक गया ही नहीं. मेरे वो अभी तक गया नहीं शायद. देखो जी मैं लास्ट मैं तो कांग्रेस वाला शायद उन्हों मेरे को पार्टी में से निकाले तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है. आपका एक लंबा सफर रहने के बाद आखिरी सवाल. पूरा लंबा सफर कांग्रेस में रहने के बाद आप फिलहाल कांग्रेस में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं. मैं कहां ये कार्य करता हूं बस अभी. और एक आखिरी सवाल सर. अब आखिर में कंक्लूजन इसका क्या करना चाहिए. क्या करना नहीं है. जब तक लोग अपना दिमाग यूज करके सोचते नहीं है मैं तो यही कहूंगा. आज भी कांग्रेस को चुन के लेके आओ. यूनो करे सो बोल के ये नहीं है. लेकिन हम ये नहीं बोलने वाले कांग्रेस को चुन के लेके आओ इसका ये मतलब नहीं है. आने वाले दिनों में सोचो सोच के काम करो और जाओ वहां पर. कांग्रेस ऑफिस का इनका एक वर्ड और एक मैं बोलता हूं. लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बेंगलुरु में जब मीटिंग था वही था कुर्क में. तब डीके शिवकुमार को आने के लिए लेट हुआ. तब तक डिस्कशन वो क्या तो भी हुआ था इनके कैंडिडेट के बारे में कुछ तो चल रहा था. तब एक नो वर्ड बोले थे कांग्रेस यार अपन आस्ते अल्लाह. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರದಿಂದ ಆಜ್ ಬಿ ಮೈ ಬೋಲ್ತಾ ಹೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಿ ಬಾಪ್ ಕಾ ಪಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀ ಹೇ. ಯೆ ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇ. ಸಬ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂ ಕಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇ. ಸಬ್ಕೋ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಉತ್ನಾ ಹೀ ಹಕ್ ಹೇ. ಕೋಯಿ ಸಮಝಾ ಅಚಂಗಾ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪನಾ ಖುದ್ ಕಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇ ಬೋಲ್ಕೆ ಜೋ ಸೋಚತೆ ರಹೆಂಗೆ ಯೆ ಗಲತ್ ಹೇ.